हेलो हेलो, तो हमने कंप्लीट किया है आज एक साल, टेक्निकली नॉट आज बट दो दिन पहले, तो हमें एक साल हो चुका है एडमिंटन आए टोरंटो से। तो हम बताने वाले हैं कि हम क्यों आए, कोई रिग्रेट्स है हमें या नहीं है, सब कुछ, मतलब कि नो फिल्टर वाला सारा होने वाला है। इन डिटेल बताएंगे अबाउट ऑल द एक्सपीरियंस एंड अबाउट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट दैट वी हैव बीन थ्रू और वी वर स्केयर्ड टू टच। हमारे क्वेश्चंस क्या थे जब हम मूव होने वाले थे, हमें किस चीज़ की टेंशन नहीं थी, क्या थी तुम्हें? मुझे तो बस यही था कि जॉब मार्केट ठीक हो और ऐसा ना हो कि मैं टोरंटो को रिग्रेट करूँ, जो टोरंटो का माहौल है उसको मैं रिग्रेट करूँ। दैट वॉज ओनली माई फियर। और तब जब एक साल पहले जब मूव हुए थे, दिस इज व्हाट आई न्यू कि हाउसिंग मार्केट अच्छी है, तुम वहाँ जाके अफोर्डेबिलिटी में अच्छा है तो तुम वहाँ जाके इजीली रह सकते हो, ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। और दूसरा हमारे पास जो एक फेवर था वो ये था कि वी न्यू समबडी जो यहाँ रहता था पिछले 8-10 सालों से। तो मेरे जीजू हैं जो यहाँ रहते थे, तो उनका बहुत बेनिफिट हुआ बेसिकली। मतलब उनसे जब हमने फोन पर बात करी थी तो उन्होंने जो फीडबैक दिया था, बिकॉज वो इधर भी रह चुके, मतलब टोरंटो भी रह चुके हैं, तो उन्होंने हर जगह कैसे बोलते हैं घड़े घड़े का पानी टाइप्स तो वो चीज उन्होंने वो वाला एक्सपीरियंस भी उनके पास था। एंड ऑब्वियसली ही वाज लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट आई थिंक 6 to 8 years इन अल्बर्टा, तो उनसे जो हमें जेन्युइन ओपिनियन आया तो उन्होंने मोहर लगा दी हमारी सोच को। हमने कहा चलो चलिए, हमने भी मतलब मोस्टली जब उनसे क्वेश्चंस करने के बाद वी डिसाइडेड लेट्स मूव। हां तो स्टार्ट करो क्वेश्चन। रुको, मैं चीज मेरा नहीं एक्सपीरियंस बताना कि मैंने क्या यार ये बड़े सॉरी तो मेरे मैं जब मुझे था ना कि एडमिंटन का ये है वो है, तो मेरे मन में क्या था बताऊं, सिर्फ एक्साइटमेंट, नथिंग एल्स, कि बहुत जाएंगे नई जगह नया घर। इंडियन रेस्टोरेंट्स, गुरुद्वारा, टेम्पल, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, ये सब इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे तुम टोरंटो में भी देखते थे एरियाज थे, ब्रैम्पटन में हब है इन चीज़ों का, वहीं पे नॉर्थ यॉर्क में हम रहते थे या जो दूसरे एरियाज हैं उसमें थोड़ा सा फिर लिमिटेशंस में आ जाता, बट तुम्हें मिलता हमेशा है हर जगह, है ना? Exactly. तो सिमिलरली है ऑल्सो यहाँ का जो वॉलमार्ट है, सुपर स्टोर है, वहाँ पर तुम्हें, तुम मेरे ब्लॉग्स अगर फॉलो करते आ रहे हो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ बेसिक बेसिक चीज़ें हर जगह मिलती है, सेम एज टोरंटो। और मोस्टली जैसे हम एडमिंटन में हैं तो एडमिंटन का साउथ जो एरिया है, साउथ साइड एरिया, उसके जैसे वॉलमार्ट, कॉस्को, उनके अंदर इंडियन सामान बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप इजिली अपना शॉपिंग ग्रोसरी कंपेयर टू द नॉर्थ साइड, हाँ कंपेयर टू द नॉर्थ साइड आप इजिली अपना कर सकते हो। जस्ट लाइक सिमिलर टू टोरंटो की ब्रैम्पटन साइड पे इंडियन स्टोर्स बहुत ज़्यादा थे, मिसिसागा साइड पे बहुत ज़्यादा थे, तो सिमिलरली यहाँ पे साउथ ऑफ एडमिंटन के अंदर तुम्हें इजिली चीज़ें मिल जाएंगी। ऑल्सो इधर इसको ही मैं और एम्फसाइज करना चाहती हूँ, ऑब्वियसली एज पर द एडवाइस दैट वी गॉट फ्रॉम द जीजू कि हमको साउथ साइड में रहना चाहिए, तो हमने वही प्रेफर किया और हमें एक साल हो गया, तो हम भी लोगों को यही प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली इट्स योर ओन विश एंड एज पर योर ओन अफोर्डेबिलिटी यू कैन चूज एंड देयर इज नो हार्म लिविंग ऑन टू द नॉर्थ साइड और समवेयर एल्स, बट साउथ इज प्रेफरेबल, थोड़ा सा हैपनिंग है। अब मैं दूसरी चीज की बात करती हूँ, मैं बहुत लेम भी बातें करने वाली हूँ, जिसको जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ओनली ग्रास्प कर सकता है। When it comes to Dollarama, Costco, Walmart, some of the basic, very renowned and known stores here in Canada, you'll find it everywhere. It's not just that it is only in Toronto or Ontario. जिसको पता बोलेगा हमें पता है, but जिसको नहीं पता उसके लिए ठीक है। तो उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, जो हम करते हैं बेसिक बेसिक से शुरू करेंगे। तो जो ग्रोसरी यहाँ पे तुम खरीदोगे, ऐसा नहीं है वहाँ पे आलू सस्ते हैं यहाँ पे महंगे, वाइस वर्सा, बट टैक्स का फर्क आ जाता है। सो टोरंटो में यू पे लिटिल हाई टैक्स और यहाँ पे सिर्फ 5% टैक्स कैप है और वो आप पे करते हो, और तो आप थोड़ा सा सेव कर लेते हो उसके ऊपर। एंड तो थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी का इशू वहाँ आ जाता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है एनवायरनमेंट। तो जब यहाँ पे आके मैंने अपना पहला ग्रोसरी का गया खरीदा, तो खरीदारी करी बेसिकली, तो मैंने स्पेसिफिकली नोटिस किया तो तुम्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, वरना मोटा चंक हम टैक्स में दे देते हैं, क्योंकि जब मैं डॉलर आना गई तब मुझे मेजर कंपैरिजन हुआ एंड आई कुड सी यहाँ पे तो बस $2 देना है एग्जैक्टली क्या मैथ्स है वो तुम देख लो, बेसिकली 5% टैक्स है यहाँ पे। अंबानी बड़ी खुश होती थी, और $2 टैक्स दिया हमने, सिर्फ $3 टैक्स दिया हमने, क्योंकि ना फिर जब मोटा टैक्स हो ना तो तुम्हें दुख होता है, और ऐसा नहीं है एंड में तुम्हें बहुत सारा टैक्स वापस मिलता है बिकॉज हमने टैक्स रिटर्न भी फाइल किया है, तो उधर जितना मिलता है बट वो हमारी कमाई और खर्चे पे है,
ऐसा नहीं है कि 5% का टैक्स हम भर रहे हैं पूरा साल तो हमें कम मिलेगा और 13% का भर रहे हैं तो हमारा भर जाएगा, नहीं। It's basically based on your income. Correct, correct. तो वो ही मैं बता रही हूँ, मैं काफी लेम बातें भी करने वाली हूँ बट जो कई लोगों के लिए होंगी, वाह यार ये हमको समझाया तुमने, अच्छा वैसे ठीक है। दूसरा अब हम बात करते हैं सीधा यहाँ से कूद के एंड पे जो कि है बैंफ। तो बैंफ है हमारे पास, थोड़ा सा मैं शॉफ कर लेती हूँ, हमारे पास बैंफ है तो वो वर्ल्ड, मैंने ऐसे नहीं बोलूंगी वर्ल्ड की सबसे सुंदर जगह, क्योंकि सुंदर तो है बहुत सुंदर, वर्ल्ड का इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि वर्ल्ड में और भी बहुत सारी सुंदर जगहें हैं, बट ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से आती है एंड हमारे बिल्कुल पास है। हाँ, और मतलब जो ड्राइव है जैस्पर से बैम्फ और कैनमोर, ये बहुत अमेजिंग ड्राइव है, मतलब ये एंजॉय करने वाली ड्राइव है, मतलब इससे सुंदर मैंने अभी तक ड्राइव देखी, दिस इज अमेजिंग। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद हम अगली चीज पे आ जाते हैं रेंट। तो जब हम यहाँ पर आए तो सबसे पहली चीज आ जाती है रेंट, रहना डेफिनेटली अफोर्डेबल है। हम जो वहां पे रहते थे, हम बेसमेंट के 2 bedroom का पे कर रहे थे 1500 Canadian dollars, Canadian dollars ही obviously, 1550 including everything, wifi and utilities ये देते थे। यहाँ पे हम दे रहे हैं 1047, 1050, जिसमें हमारे पास 2 bedroom, 1.5 वॉशरूम और डुप्लेक्स है, तो हमारे नीचे का चीज नीचे ऊपर ऊपर और स्टोरेज तो माशाल्लाह अलॉट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपार्टमेंट्स, वेयर एवर तुम लैंडलॉर्ड के साथ हो, बेसमेंट में हो, अपार्टमेंट में हो, तो तुमको रेंट डेफिनेटली सस्ता मिलेगा। डिपेंड्स तुमने कौन सी डील कब ग्रैब करी, आई विल टेल यू। व्हाइल आई वाज डूइंग ऑल माय रिसर्च 1 year बैक, सो ही हैड वर्क फ्रॉम होम, मम्मा आ रखी थी इंडिया से, मम्मा वॉज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, सो माई ओनली फोकस वॉज लुकिंग फॉर द, माई ओनली फोकस वॉज टू लुक फॉर अ रेंटेड प्लेस, ऑल्सो द मूवर्स पार्ट, बिकॉज सारा सामान ढोके हमने तो ले जाना नहीं, तो मूवर ढूंढना एक। इस पर फुल डिटेल्ड वीडियो है, हमने किसको चूज किया, कैसे सामान गया, कितना खर्चा हुआ। सो वॉट यू कैन डू इज गो टू माई प्ले लिस्ट यूट्यूब पे, टोरंटो टू अल्बर्टा, एंड देन सीरीज है पूरी, अपने बेनिफिट के हिसाब से देख सकते हो। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली हमने पूरा ट्रैवल कर रहे थे, रोड ट्रिप अमेजिंग था, और कैसे कैसे सारा 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 देख लेना, ठीक है मैं बता रही हूँ बस। तो तुम्हें ना सस्ता वस्ता मिलता रहेगा, जैसे यहाँ का 1500 या 1400 है रेंट, बट हमने डील पे उठाया है, स्प्रिंग ब्रेक थी जो भी था तो उस पे उठाया, तो एग्जैक्टली दैट इज वॉट यू हैव टू डू, लॉट ऑफ रिसर्च, कॉल ऑल ऑफ देम, उनसे वहीं बैठ कर जहाँ पर भी तुम हो तुम वर्चुअल टूर्स ले सकते हो अबाउट द प्लेस, एंड देन सी वॉट इज बेनिफिटेड टू यू। फिर स्क्वायर फीट डेफिनेटली देखो, वीडियो में लगता है बहुत सारा दे रहे जगह ये, बट स्क्वायर फीट से यू कैन कंपेयर। तो वैसे करकर मैंने करो तो रेंट अच्छा है, सस्ता है। तो जो हम रेंट पे करते हैं और घर दिखने में कैसे, उस पर प्रॉपर एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी डाल दूंगी, ऑल्सो प्लेलिस्ट डाल दूंगी पूरी टोरंटो से अल्बर्टा वाली, तो तुम पूरा देख सकते हो 1047 में हमें घर कैसा मिला है और क्या मिल रहा है, यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो। तो एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से कि तुम्हें बस थोड़ी सी फिगर आउट करना पड़ता है किस टाइम पे क्या रेंट बेटर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तुम डील उठा सकते हो। और जस्ट बिकॉज कि यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सस्ती है कम्पेयर टू टोरंटो, थोड़ी नहीं काफी सस्ती थी व्हेन वी मूव्ड, बट अभी एक फ्लो चल पड़ा है कि प्रॉपर्टी पे कहाँ पहुंच गए, वो वाला टॉपिक अभी आना है। ओके विल शेयर लेटर ऑन। तो अब हम आ जाते हैं पार्क्स और ग्रीनरी और क्या हिसाब किताब है, क्या यहाँ पे सारा कुछ बंजर है, और टोरंटो तो बहुत हैपनिंग था, बिल्डिंग से यहाँ पे कुछ नहीं है कि दूर दूर तो कैसे लोगों को ढूंढना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, इजली लोग मिल जाते हैं एंड टेक्निकली फ्रेंडली लोग मिल जाते हैं, मतलब फ्रेंडली मैं नहीं बोलूंगी टोरंटो वाले काटने को दौड़ते हैं, नॉट लाइक दैट, बट दे आर मोर बिजी, कॉम्पिटिटिव ज्यादा है वो वाला जगह, और ज्यादा तुम्हारे को लोग बोलेंगे चलो आगे बढ़ो, हेलो हाय आगे बढ़ो, यहाँ पे लोग रुक रुक के बात करते हैं, अच्छे फ्रेंडली लोग हैं वो चीज। ग्रीनरी बहुत है, पार्क्स बहुत है, जिसका मतलब ये नहीं है कि हैपनिंग लाइफ नहीं है। टोरंटो का डाउनटाउन और तुम एडमिंटन का डाउनटाउन का कंपेयर करो, डेफिनेटली टोरंटो का बेटर है, तुम डिटेल बता दो। 100% मतलब तुम टोरंटो के डाउनटाउन को बोलोगे वी यूज्ड टू से इट कि भूल भुलैया है, बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं एंड यू लव इट बेसिकली, वहां पे घूमना हैपनिंग है, लोग क्राउडेड है, यहाँ का डाउनटाउन इतना वो नहीं है लेकिन व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि साथ में सस्कैचुआन रिवर का फ्लो जाता है, तो यू गेट अ व्यू कि हाँ यार व्यू बहुत अच्छा है, बिल्डिंग्स हैं ऊंची ऊंची लेकिन बहुत बहुत रेयर, तो वो एक डिफरेंस आता है। और बस बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, जॉब मार्केट इज सिमिलर। फिर तो एक टॉपिक पे चला गया, तो जिस तो होता बोल यार।
लेकिन तुम्हें बस वो हैपनिंग नहीं मिलेगा, जैसे वहाँ साथ में सी लगता है और वो स्काईलाइन दिखती है प्रॉपर, तो ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी यहाँ पे, दैट्स द डिफरेंस बेसिकली। और अब मैं बात करती हूँ डाइवर्सिटी की, यहाँ पे भी तुम्हें हर टाइप का बंदा, हर किस्म का आदमी मिलेगा, हर कंट्री से सब कुछ होगा, बट वहां पे टोरंटो में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा वास्ट और बहुत ज्यादा ऐसे बाल्टी भर भर के। यहाँ पर I just feel that you will find goras more. ऐसा कुछ नहीं है। I मेरा perspective है, मैंने no इसलिए that you feel like that और वैसे यहाँ पे लोग हल्के से ऐसे होते हैं ना, वो थोड़े से खाली थोड़े से दिख सकते हैं इधर उधर, वैसा है यहाँ का डाउनटाउन का। एक फन बात ये है, यहाँ के जो पार्टीज तुम्हें सब मिलेगा, यू विल हैव दैट फन लाइफ, इट्स नॉट कि अरे कुछ है नहीं। Definitely, yeah. Let me know if you guys want us to make a proper video on the downtown part where we can go to downtown, enjoy ourselves in some patio, और फिर कुछ भी थोड़ा बहुत बिल्डिंग दिखा दो तो बताना, तो करेंगे। बट यहाँ पे मुझे पैटियोज में ज्यादा गोरे दिखे बैठे हुए, ऐसे मुझे लगा अब मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, वैसी वाली फीलिंग आई मेरी सोच। अब हमने रेंट ले लिया, अब बात है कमाने की, पैसे जॉब उसकी बात करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, हम टोरंटो से ही तनवीर का वर्क फ्रॉम होम लेकर चले थे। जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैं आईकेआ के साथ काम करता था, आईकेआ में सुपरवाइजर था, टीम लीड, तो मैं वहाँ से अपनी जॉब लेके आया था यहाँ पे। यहाँ पे जब आगे मैंने जॉब मार्केट रिसर्च करी, देन आई फिगर आउट कि यहाँ पे बेस पे ही ज़्यादा है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मार्केट में कंपटीशन उतना नहीं है, तो यू गेट मोर अपॉर्चुनिटी कि हम जहाँ मैं अप्लाई करता हूँ वहाँ पे मेरा चांसेस है रिज्यूमे एटलीस्ट लुक्ड अप होगा, एचआर से रिप्लाई आएगा, चीज़ें तो होंगी। मतलब आपके रिज्यूमे पे 20 बंदे और नहीं बैठे हुए? हाँ, तो ऐसा हाल नहीं है, वन ओपनिंग पे यू विल फाइंड लाइक 10,000 पीपल अप्लाइड इट, सो ऑलरेडी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फेयर अपॉर्चुनिटी लगती है कि हाँ यार ये जॉब पे आप अप्लाई करोगे, देन यू गेट अ रिस्पॉन्स ऑन दैट। और सिमिलरली मुझे जो समझ आया, तो मैंने एंटरप्राइज चूज किया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे स्टार्ट किया था, एंड नाउ आई एम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। तो ये एक बेसिकली क्या कहते हैं ट्रांजिशन है जो मैंने लिया है अल्बर्टा आके, एंड बिकॉज मैंने हमेशा घर से काम किया बैठ के, जस्ट बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और मोस्टली जब हम आए उसके एक साल बाद ही कोविड हिट हो गया था, जब हम इंडिया से आए बेसिकली। तो ये एक ट्रांजिशन हमने लिया जो लिया कि नाउ आई गो टू अ ब्रांच एंड रन दैट ब्रांच, बाकी तो नॉर्मल। सो बेसिकली अप्रैल में हम यहाँ पे आए थे लास्ट ईयर, अप्रैल में तनवीर वर्क फ्रॉम होम वही कर रहा था अपना आईकेआ, एंड देन व्हाइल ही वाज डूइंग दैट वर्क फ्रॉम होम थिंग, ही वाज अप्लाइंग ऑन डिफरेंट जॉब्स, बस टेक्निकली जो फर्स्ट जॉब में ही इसने अप्लाई किया था वहां से रिप्लाई आ गया, दैट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जून। तो अभी जो जून आएगा वो उसका एक साल कंप्लीट होगा तनवीर का, करेक्ट? सो ऑल इन ऑल जॉब्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, अच्छी खासी है, कॉम्पिटिशन उतना नहीं बैठा हुआ, एंड मिनिमम पे की बात करते हैं, जो टेक्निकली गूगल पे और जो एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट वो ये है, यहाँ पर $15 मिनिमम पे है, जो कि ज्यादा है ओंटारियो से। फन फैक्ट, $15 से ज्यादा मिलता है हर जगह, मिलता है। तनवीर ने भी जहाँ पे शुरू किया वहाँ पे भी ज्यादा था। अरे बेसिकली अगर आप कॉस्को में भी काम करते हो या वॉलमार्ट में भी काम करते हो, आपको मिनिमम $18 ऑफर करते हैं वो लोग, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना नहीं है और लोग काम करना और वो चाहते हैं कि तुम लोग काम करो, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन की ऊपर से रिग्स में बहुत पैसा है। अगर आप थोड़े से इस चीज के लिए ओपन हो कि मैं ऑयल कंट्रीज में जाके ऑयल फील्ड्स में जाके काम कर सकता हूँ, तो यू गेट अराउंड $200,000 कैप, इतना मिनिमम मिल जाता है अगर आप एक सुपरवाइजर पोजीशन में मिल जाते हो, तो बहुत अच्छा पैसा है अगर आप रिग्स के अंदर चले जाते हो, ऑयल रिग्स के अंदर, तो यू गेट लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। तो मिनिमम पे वैसे टोरंटो में होता था $14 मिनिमम पे है, 14 ही मिलेगा तुमको, वैसा वाला जो वाली जगह होती है सर्वाइवल जॉब्स, यहाँ पर सर्वाइवल जॉब्स में भी ज्यादा मिलता है, 15 नहीं मिलता, ठीक है? हाँ, और लास्टली अगर आईटी सेक्टर से भी आप मूव हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं है, आईटी सेक्टर्स की भी जॉब है और वर्क फ्रॉम होम्स भी है, और अच्छी खासी है यहाँ पे टेलस के बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जो लोगों को आईटी के लिए स्पेशली हायर करते हैं, आईटी प्रोजेक्ट्स ही चलाते हैं वो लोग, यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। अब हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। ओके, आई एग्री टू दिस, बिकॉज मैंने टोरंटो में अपनी गाड़ी बहुत रेयर होता था जब मैं ऑफिस लेके जाता था, आई यूज टू पार्क इट इन वन ऑफ द टीटीसी सब स्टेशन, एंड वहाँ से टीटीसी लेके निकल जाता था, तो ये बहुत टोरंटो का बहुत कन्वीनियंट, बहुत बेस्ट उनका ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कंपेयर टू एडमिंटन।
ठीक है, मतलब दे आर, आई वुड से कि दे आर कंपैरेटिवली 40% टू द एडमिन टोरंटो ट्रांसपोर्टेशन, इतना बोलूँगा फ़र्क है। यहाँ पे लोग मोस्टली लोग गाड़ी से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ भी करते हैं वो बहुत कम रेशियो है। मतलब हम भी जब यहाँ आए थे वी स्टार्टेड फ्रॉम अवर ओन कार, और जो वी स्टार्टेड वी ऑलरेडी हैड अ कार, एग्जैक्टली। तो हमने हमको वो वाली चीज एक्चुअली बताऊं तो पर्सनल एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली है, बट एज पर सराउंडिंग से या जो रिसर्च से पता चलती है वो ये है, और देयर इज नो डाउट कि टोरंटो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट far 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 better है। वो तो मतलब तुम गूगल पे भी कंपैरिजन करोगे कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहाँ का बेटर है, सबसे ऊपर टोरंटो ही निकल के आता है। तो दैट इज द मतलब क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट। अब हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग चीजों की, एक्साइटिंग, जो कि है सबसे पहले वेस्ट एडमिंटन मॉल। तो यहाँ पर एक मॉल है वेस्ट एडमिंटन करकर, ऑल्सो यू हैव डिफरेंट प्लाजाज एंड डिफरेंट स्पॉट्स जहाँ पे तुम शॉप कर सकते हो ब्रांड्स या जो भी तुम्हारी नीड्स हैं। बट जो मॉल है वेस्ट एडमिंटन का वो अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पे, विच इज़ ग्रेट एंड वेरी कूल। उसके अंदर क्या क्या है मैं थोड़ा सा देखकर बता देती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें तुम भूल सकते हो, ठीक है। 800 stores एंड सर्विसेज, और लार्जेस्ट इंडोर अम्यूजमेंट पार्क, लार्जेस्ट इंडोर वाटर पार्क, आइस पैलेस, यस, मिनिएचर गोल्फ कोर्स, मूवी थिएटर और बोलिंग एली। अब हम सारी जगह नहीं कवर कर सकते बिकॉज हमारे पास एक छुटकू सा है, तो हम हर जगह नहीं जाकर आज इंजॉय करेंगे लाइक ओल्ड टाइम्स, तो वो नहीं हो सकता। बट हाँ, जितना हम जो जो कवर कर पाएंगे आगे व्लॉग्स में तुम देखते जाओगे। एग्जैक्टली। ऑल्सो हम काफी बार गए हैं और व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं, तो वो देखते जाओ प्लीज। हाँ, अब हम बात करते हैं जो टोरंटो के प्रीमियम आउटलेट्स थे जहाँ पे तुम्हें हाई एंड ब्रांड्स मिल जाते थे डिस्काउंटेड रेट्स पे, तो वो यहाँ पे कहाँ पर है, एडमिंटन में है लडूक मॉल। लडूक इज एन एरिया, वहां पे एक लडूक मॉल है, वो गूगल पे डालो और फिर चले जाओ शॉपिंग करो, सिंपल। एंड कैलगरी जा रहे हो तो कौन सा था वो आयरन क्रॉस आयरन मिल करके मॉल है, और वो सेम चीज तुम्हें वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड केयर की। चाइल्ड केयर जो है, अच्छा ये तुमने बताना है, मतलब तुम ही बताओ। मैं बेसिकली बोलूंगा कि टोरंटो में चाइल्ड केयर थोड़ा ज्यादा आता था, इट्स अराउंड 680 दैट यू गेट, 630, और यहाँ पे तुम्हें मिलता है 455, और ये पर मंथ की वैल्यू है। तो चाइल्ड केयर डेफिनेटली रिड्यूस हो जाता है, कि ऑब्वियसली तुम लोग पढ़ते हो ऑनलाइन की वहाँ चाइल्ड केयर ज्यादा है, ऐसा नहीं है, यहाँ चाइल्ड केयर रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा। रिड्यूस इसलिए होता है क्योंकि एज पर बानी कि वो हर 3 months बाद थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, बेसिकली मंथली 455 आता है, और हर थर्ड मंथ पे और अमाउंट आता है जो कि है 250 या कुछ। तो दो अमाउंट आते हैं मुझे रणवीर के, एवरी मंथ 455 एंड 250 इन 3 months, तो क्वार्टरली, तो ये एक चीज है। अब हम बात करते हैं वेदर की। वेदर डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्नो कहाँ दोनों जगह पड़ती है या नहीं पड़ती है, स्नो दोनों जगह बराबर पड़ती है। वहाँ पे -5 में आपको लगेगा कि हाँ यार ठंड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जब तक -10 के नीचे नहीं ड्रॉप होगा तब तक लगेगा नहीं आपको ठंड ज्यादा। क्योंकि वहाँ की ठंड जो होती है वो ना मॉइस्चर वाली होती है, तो वो लगती है। यहाँ की ठंड जो होती है वो ड्राई ठंड, तो वो जब तक और नहीं टेम्परेचर गिरेगा तब तक नहीं लगती है। हाँ। तो ठंड दोनों जगह है, वहां पे ज्यादा ठंड है हम नहीं जा सकते ऐसा वाला हमारे दिमाग में था। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं है, और हमें था गर्मियां तो होंगी नहीं यार, मैं अपने समर कपड़े कैसे पहनूं, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्रॉपर गर्मी है, प्रॉपर मतलब वैसा वाला। और जो ठंड की बात है वो भी अच्छी खासी है और प्रॉपर होगी महसूस। हाँ, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस डेफिनेटली है, टोरंटो से ज्यादा हल्की सी ठंड पड़ती है वहां पे। मार्च में अगर तुम घूम सकते हो विद द फॉल फील और ऑलमोस्ट टू स्टार्टिंग ऑफ द स्प्रिंग फील, यहाँ पे हल्का सा डीले हो जाएगा, नॉट अ लॉट, तो वो वाली चीज है। एग्जैक्टली। और जब -20 के नीचे यहाँ वेदर जाता है तो रोड्स पे एक थिन आइस की लेयर रहती है, और इसलिए यहाँ पे विंटर टायर्स थोड़े से मैंडेटरी हो जाते हैं, और रीजन बीइंग क्योंकि ये बहुत ड्राई कोल्ड है, तो वो अगर जैसे टोरंटो में वो सॉल्ट डाल देते हैं तो जैसे वो मेल्ट हो जाती है स्नो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर वो मेल्ट होगी तो दोबारा ड्राई, बहुत ड्राई कोल्ड है तो दोबारा से वो जम जाता है। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और हमारा फैमिली डॉक्टर और स्पेशली बेबी का सब कुछ ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है। तो
ड्राइविंग लाइसेंस का तुम बता दो। ईजी है, कोई कुछ नहीं है। जैसे वहाँ सर्विस कैनेडा में जाते हैं हम ड्राइविंग की चीज़ों के लिए, यहाँ पे होता है रजिस्ट्रीज। तो सर्विस कैनेडा अलग है, यहाँ पे रजिस्ट्रीज अलग है, जो सिर्फ आपके ड्राइविंग वाली चीज़ों को मतलब। तो वो रजिस्ट्री है। हाँ वो रजिस्ट्री है। तो आप रजिस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे जाके अपना सिंपल एक फॉर्म भरते हो और अपना पिछला ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करते हो, दे सेंड यू न्यू वन। सिंपल थिंग, सिंपल है। कुछ ऐसा हार्ड रूल नहीं है, कुछ हार्ड रूल नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वहाँ पे G1 आपका सॉरी G2 था या G था, तो यहाँ पे आपको GDL मिलेगा जो कि इक्वल टू G2 है, और प्रॉपर क्लास 5 मिलेगा जो कि इक्वल टू G है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। दे कॉल इट यहाँ पे क्लास 7 जो कि G1 होता है एज पर ओंटारियो, और GDL होता है यहाँ पे G2 के लेवल का, और क्लास 5 है यहाँ पे एज अ G फॉर फुल लाइसेंस के हिसाब से, दैट्स इट। और उसके बाद आ जाती बात अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज की। सिमिलर थिंग फॉर हेल्थ सर्विसेज, आप सर्विस कैनेडा जा सकते हो या फिर सेम रजिस्ट्री में जा सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्री मोस्टली आपके ऑपरेशंस कर देती है, तो उनको जाके आपको सेम थिंग करना है। आप जाके एक फॉर्म भर देते हो, अपनी फैमिली की डिटेल दे देते हो, एंड दे विल सेंड यू द AHS अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज कार्ड 2 या 3 हफ्तों के अंदर। सिमिलर थिंग, कोई ऐसा पहाड़ और अपसाइड रूल नहीं है कि हाँ आपको जाके दोबारा से कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। और तुम्हारी जो वो थी जो नंबर प्लेट थी, ओके, सो सेम थिंग रजिस्ट्री। सो तीनों चीजों के लिए रजिस्ट्री आप जाओगे, रजिस्ट्री जाते हो वहाँ पे। नंबर प्लेट के लिए आप, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा वैसे तो। इसके लिए सबसे पहला आपको ये काम करना है कि आपको इंस्पेक्शन करानी है। इसको कहते हैं OPI, आउट ऑफ प्रोविंस इंस्पेक्शन। जब भी आप किसी दूसरी प्रोविंस से गाड़ी लेके जाते हो और उस शहर में गाड़ी के लिए उस शहर की नंबर प्लेट को लेना चाहते हो, तो आपको पहले इंस्पेक्शन करानी पड़ती है आपके व्हीकल की, आपका व्हीकल ठीक है या उसमें कोई रिपेयर्स होने बाकी है। तो आप कहीं से भी करा सकते हो, कोई लोकल मैकेनिक जो ये करता है, या फिर कैनेडा को क्या है वो जो घूम नहीं जाते हो स्टोर पे कैनेडा के नाम से, लाल रंग का बोर्ड होता है इसका, कैनेडियन टायर जा सकते हो, या फिर आप कॉस्को पे पता कर सकते हो। तो ऐसे ही 2-3 बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इनसे पता कर सकते हो, या लोकल मैकेनिक से आप ये इंस्पेक्शन करा सकते हो। 24 आवर्स लेते हैं ये इस इंस्पेक्शन को। उसके बाद वो आपको एक इंस्पेक्शन, अगर आप वो गाड़ी आपकी इंस्पेक्शन स्लिप पास कर जाती है, दे गिव यू एन इंस्पेक्शन स्लिप। वो इंस्पेक्शन स्लिप लेके आप किसी भी रजिस्ट्री जाओगे, वहाँ पे जाके आपको वो इंस्पेक्शन स्लिप देनी है, और क्या कहते हैं अपनी $100 पे करने हैं 1 साल की रजिस्ट्रेशन के लिए। वो आपको नई रजिस्ट्रेशन और एक नया नंबर प्लेट इशू कर देते हैं जो आप गाड़ी पे लगा सकते हो। सिंपल थिंग। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ फैमिली डॉक्टर का क्या सीन है। पास में था, वॉक इन करा, डिटेल्स दी उन्होंने अपने, हम लोगों को रजिस्टर कर लिया। सिंपल, बेबी के डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टोरंटो से अल्बर्टा एडमिंटन फैक्स कर दिए थे डॉक्टर्स ने आपस में, एंड वी वर सॉर्टेड। यस, कोई इशू नहीं आया। अब हम अगली चीज की बात करते हैं जो कि है अफोर्डेबिलिटी एंड हाउसिंग का खरीदारी। ओके, अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब मजेदार। और सेम चीज तुम कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे जो तुम्हें 3.5-4 लाख का घर मिलेगा, वही सेम घर तुम्हें मेन टोरंटो की, तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो आउटस्कर्ट्स होते हैं, किचनर्स, ओशावा, ओशावा, ओंटारियो, क्या कहते हैं, ओकविल, ओकविल, और जो भी मतलब समझ लो आसपास जो ऐसे किसियां कर रहे होते हैं टोरंटो को, वो वाले मिल्टन, ये वाले जो सारे होते हैं ना, इनसे कंपेयर कर देती हूँ। यहाँ पे 3.5-4 लाख का घर, सेम घर वहां पे तुम्हें 7-8 लाख का मिलेगा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, जो सिंगल फैमिली होम्स जिसको यहाँ कहते हैं, और वो यहाँ पे अगर आप एक नया लेने जाते हो, बिल्कुल जो 2200-2300 स्क्वायर फीट फुली डेवलप मतलब अपग्रेड के साथ, आपको 7-8 लाख में मिल जाएगा। और वही आपको अगर आप मिल्टन, 1.5 मिलियन का मिलेगा, 1.5 मिलियन के नीचे तो उतने स्क्वायर फीट के एरिया कुछ, पर नहीं, टोरंटो के कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। तो बहुत बढ़िया है। दो एक रिकमेंडेशन ये, कोई सोच रहा है आने का या कुछ है तो मंथ्स डीले कर सकते हो, बट साल डीले मत करना, बिकॉज ये कब उतना ही हाई पे पहुंच जाएगा नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी ही 2-3 महीने में ही बहुत मेजर चंक ऑफ डिफरेंस आता है प्राइसिंग में। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत पागलपन आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। इवन ओंटारियो से बहुत लोग मूव हो रहे हैं, तो दे सेल देयर हाउसेस देयर, उनके मिलियन हाउसेस जाते हैं यहाँ पे आके दो घर खरीद लेते हैं। तो ऐसा चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर इन्वेंट्री उतनी नहीं है, बट डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो बेटर है जाने का सोच रहे तो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब हम बात करते हैं रिग्रेट्स की। तो क्वेश्चंस,
क्या मैं रिग्रेट करती हूँ टोरंटो की डाउनटाउन वाली हैपनिंग लाइफ और यहाँ की, तो मैं नहीं करती हूँ. बिकॉज ए, मैं वो इंसान हूँ जो मुझे शांति, प्यारा सा सीनिक ब्यूटी, ब्यूटिफुलनेस और सेम चीज, अच्छी सी कोई ड्रिंक आ जाए वर्जिन और वो पीते हुए मजे आएंगे. मुझे क्लब्स पार्टी और वो सब कभी भी नहीं पसंद था. हमें क्लब्स पार्टी, तू भी उसी में है क्या? मतलब आई डोंट एंजॉय क्लब्स एंड पार्टीज, बट आई डू एंजॉय लाइक पार्टीज. मुझे पार्टीज में, दैट इज अगेन द शांति वर्जन ऑफ इट. एग्जैक्टली, समथिंग व्हिच इज मोर काम. काम, लाउड म्यूजिक नहीं है, काम है और हम आराम से बैठ के बात कर पा रहे हैं. हल्का सा म्यूजिक चल रहा है जो कि कानों को बज नहीं रहा है, तो That's what we like. हाँ, अब दूसरी चीज आ जाती है, घर को हम मिस कर रहे हैं किसी भी चीज को. द आंसर इज नो. क्या हमें कोई रिग्रेट्स है? नो. आर वी लविंग द लाइफ हियर? यस. इनसे पूछ लो. ऑल्सो जब यहाँ पे आ रहे हो, किसी को जानते हो, तो जॉब के लिए रेफरेंस के थ्रू जाओगे, चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे. ये हर जगह का है, पूरे कैनेडा का. ऑल्सो अगर किसी को नहीं जानते हो, एंटरप्राइज में काम करने का मन है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ या मैं ई मेल आई डी यहाँ पे डाल दूंगी, और यू कैन डायरेक्टली डीएम हिम और मी फॉर द रेफरेंस, एंड फिर हम रेफर कर देंगे एंड वी आर गुड टू गो. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. और कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस है तो पुट इट डाउन बिलो. बाकी के लिए बाय बाय, अगले हफ्ते मिलेंगे. मैं हर हफ्ते फ्राइडे को डाल रही हूं, तो कोई वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाकर देखो. यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड चैनल को प्रमोट कर दो. कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक. शी विल सी यू नेक्स्ट वीक. मुझे थोड़ा टेक्निकल हेल्प चाहिए थी ना, तो मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा जरा प्लीज करो. तो मैं क्या से कॉलर वगैरह के खींच के ले आया हूं. कॉलर वगैरह जल्दी शो करो. मेरा ये टॉपिक है, कवर करने हैं. चलो ओके, यू नीड इट. बाय. कराओगे? आई एम स्लीपिंग नाउ. बाय. मी टू. बाय बाय.